जय भगवान। इस वीडियो में आपको मैं घुटने के पॉइंट से रिफ्लेक्स पॉइंट पैरों के तलवों में वो बताता हूँ। पहला पॉइंट ये है, ये रेड कलर का ड्रॉ किया ना मैंने, बाहर की साइड में एक बोन है यहाँ पर, उसको ऐसा प्रेस करते रहने का, ऐसा रोटेटिंग प्रेशर पूरे एरिया में, ऐसा ये ऐसे एक मिनट तक पूरा दबा दबा के प्रेसिंग करिए। प्रेशर कैसा देना है, ऐसा 90 डिग्री प्रेस रख के अंगूठा दबाइए, फिर रोटेट करिए अंगूठे को 90 पकड़ तो प्रेस करके रोटेट करते रहिए आप, एक मिनट तक पूरे एरिया में करते रहिए आप, अलग अलग एरिया में। ये दोनों पैरों में है, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको वो दोनों पैरों में है। दूसरा पॉइंट ये देखिए, तीसरी और चौथी उंगली में मोड़ है, फर्स्ट मोड़, फर्स्ट बेंड, देखो तीन मोड़ है, एक बेस में है, एक इधर है हड्डी जैसा, इधर ये थर्ड है, तो फर्स्ट बेंड के उधर ऐसा रोटेटिंग प्रेशर करना है आपको, ये यहाँ पर दूसरा से आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा ये ऐसा दबाना है, ऐसा ये यहाँ पर भी ऐसा दबाते रहिए आप ये, और इसके नीचे भी दबाना है, इसके नीचे जो है ना उसके रूट में जहाँ से निकलता है यहाँ पर आप करिए, तो थोड़ा बैक में तकलीफ है उसमें भी आराम आएगा उनको, ये यहाँ भी आप प्रेस करिए उनको ये, और ये दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में ये लाइन ड्रॉ किया ना मैंने, यहाँ भी करिए, यहाँ भी प्रेशर दीजिए, यहाँ भी से रोटेटिंग प्रेशर दीजिए, यहाँ भी करिए, एक खाँचा है ना बीच में वहाँ भी दबाइए। और दूसरा मेन पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का पॉइंट, मैंने मीडियम बताया मैंने, देखो पैर के साइड में अंदर की साइड है पूरा, नाखून के रूट से लेके कमर की लाइन, सैटी का लाइन इतना बड़ा है, इसको आप थंब वॉकिंग करिए तो उनको पूरा करेंगे ना, उनको गर्दन की तकलीफ होगी, कमर सब में उसको आराम मिलेगा। देखिए थंब वॉकिंग प्रेशर में कर रहा हूँ, अंगूठे को नीचे से ऊपर भी आप कर सकते हैं, देखिए इसमें आपको क्लियर दिखेगा, ऐसा ये थंब वॉकिंग, अंगूठा चलाना है ऐसा ये, उनको यहाँ पेन होगा, कमर लंबर में पेन होगा और गर्दन की तकलीफ और सर्वाइकल में उनको पेन होगा, ऐसे चार पांच बार करिए थंब वॉकिंग प्रेशर। अगर आपको नहीं जमता है तो आप ऐसा पेंसिल लेना या पेन लेके देखिए आप ऐसे स्लाइडिंग करते रहिए, ऐसा ये बेलन की तरह चलाते रहिए, ऐसा चलाते रहिए उनको, ऐसा करके पूरे लाइन के ऊपर पॉइंट का जो पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का पॉइंट उसके ऊपर स्लाइडिंग करते रहिए। दोनों ऐसा रख के स्लाइडिंग करते रहिए उसको, ऐसा ही प्रेशर तो भी चल जाएगा आपको। ये पॉइंट दीजिए उनको, ये दोनों पैरों में देना है, और उनको बोलना घुटने के ऊपर गर्म ठंडे पानी का सेक करना है कपड़े से, नैपकिन से, 2 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, और कमर पे बैक पे भी उनको गर्म पानी से कपड़े से सेक करना। जय भगवान।